हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जी के ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारा पोर्शन आता है ज्यामिति, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ज्यामिति की भूमिका होती है किसी भी पेपर में, वो बहुत ही अहम रोल निभाती है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ज्योमेट्री की जो ज्यामिति होती है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं एसएससी की बात करूं, ठीक, एसएससी की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से देखने को आपको पेपर में मिलते हैं। उसके बाद अभी जो मैं बात करूं कि जो रेलवे का एएलपी का पेपर हुआ था, या मैं बात करूं कि जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2 या 3 क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिले थे। अब अनुमानता अगर मैं बात करूं, जैसे प्रीवियस ईयर की अगर पेपर की मैं बात करूं कि जो प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी रेलवे का पेपर है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां से भी क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिले थे प्रीवियस पेपर में, और जो पेपर होने वाला है, जो एनटीपीसी का पेपर होगा अभी जो प्रस्तावित है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां से भी जो है कि आपको इस पूरे एनटीपीसी के पेपर में 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। डेफिनेट है ये कि 3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं बात करूं कि और भी छोटे लेवल की अगर मैं एग्जाम की बात करूं कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें भी जो है कि यहां से अगर स्टेट लेवल की मैं बात करूं, स्टेट लेवल की मैं बात करूं तो यहां से भी जो है कि क्वेश्चन स्टेट लेवल में भी पूछे जाते हैं। जैसे स्टेट लेवल में अगर यूपी लेखपाल की अगर मैं बात करूं, लेखपाल की अगर मैं बात करूं तो यहां से जो है कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये डेफिनेट है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से यूपी लेखपाल की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है कि यहां पर बनेंगे ही बनेंगे। ये डेफिनेट है, यहां से बनना ही बनना है। आगे मैं बात करूं कि और भी जो भी एग्जाम आते हैं आपके, वहां भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आरओ का पेपर हो गया, आरओ का पेपर हो गया, तो यहां से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में जो है कि एक अहम भूमिका निभाता है अपना। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मैं, देखिए, जो ज्योमेट्री आज पढ़ाने वाला हूं या जब तक मेरी ज्योमेट्री समाप्त नहीं होगी, मैं चीजों को एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलूंगा। कहां तक चलूंगा? हाई लेवल तक चलूंगा, यानी कि 0 से लेकर हाई लेवल तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस ज्योमेट्री के अंतर्गत। देखिए, कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ पॉइंट नहीं आते हैं तो उनको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम अच्छी तरीके से उसको दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। तो चीजों को आप लोग जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, 0 से लेकर हाई लेवल तक एकदम चलने वाले हैं। आप लोग उसी हिसाब से नोट्स भी बनाते जाइएगा, ताकि जो भी आपके एग्जाम हो, जैसे लेखपाल का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, या और भी स्टेट लेवल का या एसएससी का एग्जाम हो, जैसे सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो देखिए सीएचएसएल में भी यहां से क्वेश्चन जो है कि पुटअप होता ही है। उसके बाद से मैं बात करूं कि जो आपका एसएससी सीजीएल का प्री और मेंस आता है, उसमें भी जो है कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीपीयूएसआई का, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। या मैं बात करूं यूपीएसआई का, यूपीएसआई या बिहार एसआई की अगर मैं बात करूं तो बिहार एसआई में भी जो है कि यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा। ये डेफिनेट है, जो आपका क्वेश्चन आएंगे जरूर यहीं से पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि 0 से हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो 0 से हाई लेवल तक बिल्कुल चीजों को देखते हुए चलेंगे और आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि यह अहम रोल निभाता है किसी भी पेपर में। तो आज जो ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स की। किसकी? लाइन एंड एंगल्स की बात करेंगे, यानी कि रेखा और कोण की। किसका? रेखा और कोण के बारे में बात करने वाले हैं।
कि रेखा और कोण होता क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एकदम बिल्कुल चीजों को जीरो से लेकर चलने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है कि घबराइए नहीं, ठीक, और आराम से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और आप इसका नोट्स बनाते जाइए जिससे आपको फायदा हो सके। तो सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट। मैं बात करूं कि सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु, बिंदु किसे कहेंगे कि बिंदु क्या होता है, तो मैं कहूं कि बिंदु एक तरह का लोकेशन है। क्या है? एक लोकेशन है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है कि प्लेन है, इस प्लेन में हम कहें कि इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, इस प्लेन का एक लोकेशन हो गया कि इस पॉइंट पे है, यानी कि बिंदु क्या है, एक लोकेशन है। लोकेशन का मतलब होता है अवस्थिति, ठीक, समझ गए चीजों को, क्या है, लोकेशन है, पॉइंट है। अब मैं कहूं कि इस पॉइंट की पॉइंट कब होगा ये, यानी कि पॉइंट हैज नो रेडियस। फर्स्ट इसका कंडीशन ये होना चाहिए कि पॉइंट हैज नो रेडियस, पॉइंट हैज नो रेडियस। इसका क्या रेडियस है? नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे इसका कोई त्रिज्या नहीं होता है। हिंदी में भी लिख देता हूं, त्रिज्या नहीं होता है। बताइए, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अब मैं बात करूं कि जब पॉइंट की रेडियस नहीं होती है तो इसका कोई जो है कि आपका विड्थ नहीं होगा। क्या विड्थ नहीं होगा? विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई नहीं होगी, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी, यानी कि नो विड्थ यहां पे लिख सकता हूं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो इसका कोई लेंथ भी नहीं होगा, इसका कोई लंबाई नहीं होगा। अब मैं बात करूं कि जब इसका लेंथ नहीं होगा, विड्थ नहीं होगा, तो इसकी ऊंचाई भी नहीं होगी, यानी कि नो हाइट यहां पे लिख सकता हूं। नो हाइट यानी कि ऊंचाई भी इसका क्या होगा, नहीं होगा। इसे क्या बोलेंगे हम? पॉइंट बोलेंगे। बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दिया करो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मैं बात करूं कि जो कॉन्करेंट लाइन होती है, क्या होती है कॉन्करेंट लाइन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मैं बनाता हूं जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, यानी जिसको संगामी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। अब देखिए, संगामी रेखा क्या होती है कि जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली इनफाइनाइट रेखाएं, क्या गुजरने वाली बहुत सारी रेखाएं, इस पॉइंट से गुजरने वाली बहुत सारी रेखाएं को क्या बोलेंगे हम? संगामी रेखा बोलेंगे, यानी इसी को संगामी रेखा बोलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली बहुत सारी लाइनें, क्या एक ही बिंदु से गुजरने वाली बहुत सारी लाइनों को क्या बोलेंगे हम? संगामी रेखा बोलेंगे। और यहां पे जो रेखाओं की संख्या होगी हमें तो चूंकि पता नहीं है, तो यहां पे लिख सकता हूं इनफाइनाइट लाइंस। कितनी? इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी बिंदु से जो है कि अगर रेखाओं को गुजारा जाता है तो किसी भी बिंदु से इनफाइनाइट रेखाएं गुजर सकती हैं। बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला लाइन आता है उसकी मैं बात करूं तो को करेंट लाइन। क्या? को करेंट लाइन।
देखिए इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसका एक सिंगल वर्टेक्स होता है। क्या होता है? सिंगल वर्टेक्स। वर्टेक्स आप लोग समझते हैं, सिंगल वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। ठीक, यानी कि सिंगल वर्टेक्स होती है, एक सिंगल शीर्ष होता है, एक सिंगल लाइन होती है, उसी को क्या बोलेंगे? को करंट लाइन बोलते हैं। ठीक, को करंट लाइन बोलते हैं। अब मैं बात करूं कि जो हमारा आता है कोलिनियर की अगर मैं बात करूं कि कोलिनियर क्या होता है, तो उसकी अगर मैं बात करूं जिसको हिंदी में बोलते हैं संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु। अगर मैं इसकी बात करूं कि संरेख बिंदु होता क्या है, तो देखिए अब मैं कहूं कि एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, इस तरीके से ये पॉइंट जो है कि है एक सीधी रेखा में है। क्या है? एक सीधी रेखा में है, एक संरेख में है, तो इसी को कोलिनियर बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। यानी कि जब बहुत सारे मतलब पॉइंट्स जो है कि एक सीधी रेखा में होते हैं, क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसे संरेख बिंदु बोला जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत किसी को? देखिए अगर आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो यह एक बिंदुओं का समूह है जो एक सीधी रेखा में स्थित है, तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक, चीजें समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से आप लोग इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला मैं बात करूं तो अगला आता है कोप्लेनर पॉइंट। क्या आता है? कोप्लेनर पॉइंट। कोप्लेनर पॉइंट। अगर मैं इसकी बात करूं कि कोप्लेनर पॉइंट होता क्या है, तो देखिए कोप्लेनर पॉइंट को समझिए। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेन है। क्या है? ये हमारे पास एक प्लेन है और इसमें बिंदुएं हैं। ठीक, अब मैं कहूं कि ये एक प्लेन में है। ठीक, तो कैसे? देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक प्लेन हो गया। तो इस प्लेन में जितने भी बिंदु अवस्थित हैं, मतलब एक ही प्लेन में स्थित बिंदुओं को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोप्लेनर पॉइंट बोलते हैं। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? बात करते हैं कि अगला जो आता है उसका अगर मैं बात करूं लाइन की, कि लाइन क्या होती है, तो देखिए लाइन की अब बात करते हैं हम सीधे सीधे। लाइन की अगर मैं बात करूं तो लाइन किसे कहेंगे? लाइन देखिए ये हमारी क्या है, बिंदुओं से मिलकर लाइन बनता है, यानी ये हमारी लाइन है और इस लाइन का ना कोई एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो यहां पे लिख सकता हूं कि यानी कि नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, यानी कि इसका लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ नो एंड पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि इस लाइन के दोनों तरफ कोई भी डिफिनिट एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है। ये पता नहीं कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक गई है, दोनों तरफ ये बढ़ती हैं, इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। इसका जो सिंबल होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं? अब सपोज मान लीजिए कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है? बी पॉइंट है। ठीक, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसको जो डिनोट करेंगे वो डिनोट करेंगे ए बी को इस तरीके से। ठीक, आप लोग बना सकते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ एरो लगाएंगे आप लोग इस तरीके से। तो इसका सिंबल भी पूछ लेता है कि जो लाइन होती है उसको कैसे डिनोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बनने को कहीं से भी बन सकता है। जैसे आपको दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया, जैसे मान लीजिए ए भी दे दिया, ये दे दिया, ए भी दे दिया, ये और ये दे दिया, ए भी दे दिया, यहाँ पे एक लाइन दे दिया, ये दे दिया, और ये भी दे दिया, और यहाँ पे दोनों फिक्स पॉइंट दे दिया। तो इसमें आपको कौन सा टिक लगाएंगे? आप ऑब्वियसली बी आंसर लगाएंगे इसका, अगर आपको पता है तो, वरना आप जो है कि कंफ्यूज होकर गलत भी कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। इसलिए इसके सिंबल को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनने को कभी भी बन सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं बात कर रहा था लाइन के कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लाइंस। तो देखिए लाइंस की अगर मैं बात करूं कि लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, तो लाइंस बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका कर्व्ड लाइन। क्या होता है? कर्व्ड लाइन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में वक्र लाइन, वक्र रेखा, और इसको बोलते हैं सीधी रेखा। ठीक। अब देखिए सीधी रेखा मैंने ये खींच दिया, क्या है? एक सीधी रेखा है। कर्व लाइन मैंने ये खींच दिया, एक कर्व लाइन है। मैंने ये खींच दिया, ये क्या है? एक कर्व लाइन है। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? अब मैं बात करूं कि स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पॉइंट आता है पहला स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल लाइन आता है। क्या आता है? पैरेलल लाइन। कि पैरेलल लाइन क्या होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में समानांतर रेखा, समानांतर रेखा क्या होती है? देखिए क्या होती है पैरेलल लाइन, सीधी रेखा। हमने कहा कि एक लाइन ये खींच दिया, हमने एक लाइन ये खींच दिया, ठीक। क्या ये पैरेलल लाइन है? नहीं, हम कहेंगे नहीं, कभी भी ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती है। पैरेलल लाइन हम तब कहेंगे जब इसका कंडीशन क्या होगा, फॉलो होगा। जब इसका कंडीशन क्या होगा, फॉलो होगा। पहला कंडीशन होना चाहिए इसके प्रत्येक स्थान पे इसके बीच का डिफरेंस जो है डी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी समान होना चाहिए। यानी कि डी अगर यहां से ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ये रेखा इस रेखा से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये भी जो है आपके 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मतलब इसके प्रत्येक स्थान पे इनके बीच जो डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि गैप होनी चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में हाइट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर का, जो भी हो बिल्कुल समान होना चाहिए। यानी कि डी इनका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक। दूसरा कंडीशन अगर मैं बात करूं, दूसरा कंडीशन अगर इन दोनों रेखाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो एक इक्वेशन आता है। मैं कहूं कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू क्या? जीरो। दूसरा ए टू एक्स टू प्लस बी टू वाई टू प्लस सी टू इजकल टू क्या है? जीरो। ये जो है कि हमारा जो है कि एक दो इक्वेशन बन गए दोनों लाइनों के लिए। क्या बन गए? दोनों लाइनों के लिए इक्वेशन बन गए। और मैं बात करूं कि जो a1 और a2 है ये क्या है? कोफिशियंट है। b1 b2 क्या है? ये कोफिशियंट है। c1 c2 क्या है? ये भी कोफिशियंट है। यानी कि a1 a2 c1 ये तीनों क्या है आपके? कोफिशियंट है। तो यहां लिख सकता हूं कोफिशियंट, यानी कि ये तीनों क्या है आपके? कोफिशियंट है। ठीक। अब मैं बात करूं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आते हैं, अभी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, इस पे क्वेश्चन बनता है, मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया आप लोगों के लिए। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो भी उसको आप लोग देख लें, और देखने के बाद से घबराएं नहीं बिल्कुल, ये नोट डाउन कर लें। जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है कि निर्देशांक ज्यामिति में इसका उपयोग होगा, तो वहां पे सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे ये बनता है। ठीक। यहाँ पे आप लोग केवल देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ। यानी कि जो पैरेलल लाइन होने की शर्तें हैं वो इन दोनों कंडीशनों को फॉलो करनी चाहिए, यानी कि इनके बीच का जो गैप होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए इनकी, वो क्या होनी चाहिए? प्रत्येक स्थान पे समान होनी चाहिए, और वो इस इक्वेशन को क्या होनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए, जिसमें मैंने बताया ए वन बाई ए टू क्या है, बी वन बाई बी टू, और सी वन बाई सी टू आपका क्या है? कोफिशियंट है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू नॉट इजकल टू सी वन बाई सी टू होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? नॉट इजकल टू सी वन बाई सी टू होना चाहिए। ये क्या है? प्रवणता है। ये ढाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रवणता या ढाल। ये इसका ये जो है कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बता दिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप लोगों को देखना होगा। ठीक, आगे बढ़ें तो इस प्रवणता के लिए अगर मैं ढाल की बात करूँ तो इसके लिए m1 is equal to m2 होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट का है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी बात कर ली है तो आप लोग इससे परेशान ना होना। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, आगे जब मैं पढ़ाऊँगा आपको कोऑर्डिनेट उसमें बताऊँगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। कंकरेंट लाइन, मैंने बात किया था कि कंकरेंट लाइन वह लाइन होती है जिसको संगामी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। और संगामी रेखा मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है कि एक ही पॉइंट से गुजरने वाले अनेकों लाइन, यहाँ से ये 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 ये, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले बहुत सारे लाइन को क्या बोलेंगे? संगामी लाइन बोलते हैं, संगामी लाइन बोलते हैं। इनके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन हो जाएगी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये होती कितनी है या कितनी गुजर सकती हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ से एक पॉइंट से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? इनफाइनाइट रेखाएं गुजर सकती हैं। यानी कि एक ही पॉइंट से क्या होती हैं? इनफाइनाइट रेखाएं गुजर सकती हैं। आगे मैं बात करूं कि अगला जो लाइन आता है वो आता है आपका परपेंडिकुलर लाइन। इसको बोलते हैं हिंदी में लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में लंबवत काटती हैं, यानी कि जब दो रेखाएं, सपोज मान लीजिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, जब ये एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, जब इनके बीच क्या 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा बोलते हैं। लंबवत रेखा के लिए जो प्रवणता होता है, अगर मैं उसकी बात करूं कि जो कोऑर्डिनेट में आता है आपका क्या आता है? प्रवणता, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में स्लोप, स्लोप या ढाल की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका m1 m2 इसकल टू वन। इसको आप लोगों को देख लेना होगा, m1 m2 इसकल टू क्या होता है? वन होता है। जब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा तो ये चीज बताऊंगा कोऑर्डिनेट में। ठीक, आगे बढ़े। अब मैं बात करूं जो ट्रांसवर्स लाइन होती है, क्या ट्रांसवर्स लाइन? ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? आप लोग बताइए हमें कि क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। कौन सी? सपोज मान लीजिए हमने ये खींच दी, क्या ये ट्रांसवर्स लाइन है? बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। ये मैंने खींच दी, ये खींच दी, ये क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर मैं बात करूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, तो देखिए हमने कहा कि एक रेखा मैंने इधर से खींच दिया, एक रेखा इधर से खींच दिया, जिस पॉइंट पे ये काटते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट, और इन्हीं को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट लाइन बोलेंगे। ठीक, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़े। जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रतिच्छेदन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन रेखा। ठीक, लिख सकते हैं आप लोग हिंदी में इसको प्रतिच्छेदन रेखा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं।
अब मैं बात करूं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उस पे अगर एक पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो कितनी इंटरसेक्टिंग लाइनें गुजर सकती हैं, दो लाइनें गुजर सकती हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसको आप लोग देखिए कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर मैं बात करूं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर ऑफ फाइंड इंटरसेक्टिंग लाइन कि किसी भी बिंदु से गुजरने वाले, अगर मैं बात करूं कि दो दो इंटरसेक्टिंग लाइन में, यानी कि किसी भी बिंदु से कितने इंटरसेक्टिंग लाइन गुजर सकती हैं, तो दो कैसे फाइंड आउट होता है कि दो ही गुजर सकती हैं और क्यों नहीं गुजर सकती, तो आइए उसको देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट होता है। तो मैंने कहा कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर रही हैं, हमें एक ऐसे नंबर लेना है कि जो ये फाइंड करें कि यहां से दो ही लाइन गुजर रही है इस बिंदु से। ठीक, तो मैं कहूं यहां पे लिख सकता हूं मैं इसको, देखिए एक तरीका है करने का, देखिए इसके लिए क्या करते हैं उसको समझते हैं। देखिए हमने कहा कि आप लोग लेट करिए कि इस बिंदु से क्या हो रही है, इन लाइनें गुजर रही हैं, इन लाइंस क्या हो रही है, पास आउट हो रही हैं। ठीक, जब इन लाइन यहां से पास आउट हो रही हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि और किसी भी बिंदु से कितनी इंटरसेक्टिंग लाइन गुजर सकती है, दो, तो इसको लिख सकता हूं NC2। क्या लिख सकता हूं, NC2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, एन अगर लाइनें हैं, क्या है, एन यहां पे लाइंस है, अगर मैं लाइंस की बात करूं कि लाइंस हैं और एक बिंदु से कितनी जो है कि लाइन से गुजर सकती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो दो गुजर सकती हैं, तो इसको लिख सकता हूं NC2। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं कि आप लोग जो है कि इसको लॉजिक को समझिए, क्या समझिए, लॉजिक को समझिए कि लॉजिक क्या है इसका, तो देखिए अगर लॉजिक की मैं बात करूं तो NC2, ठीक, NC2 ये है, हमने कहा कि लाइन, हमने कहा कि हमारे पास कितनी है, तीन लाइंस हैं, क्या है, तीन लाइंस हैं, तो देखिए एन के जगह पे मैं रख दूं यहां पे तीन, ठीक, यहां पे रख दूं सी और टू, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है NC2 की अगर मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड करने के लिए, तो n into n minus 1 अपॉन क्या है आपका 2। ठीक, अब देखिए कि यहां पे 3 है, तो 3 रख दूं और 3 माइनस 1 रख दूं अपॉन 2 रख दूं, ठीक, यानी कि 3 इंटू क्या, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 2, यानी 2 से 2 कट गया, कितनी हो गई, 3 हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। बताइए चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों की, क्या हो गई, 3 हो गई लाइनें, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि 3 लिया जाता है, 3 से अगर 2 ले लेंगे तो एक चीज़ बताइए कि जैसे 2 रखिए यहाँ पे, 2C2, तो 2 रखेंगे तो 2 into 2 minus 1 upon 2, यानी कि 2 into 1 upon 2, कैंसिल 1, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन बन सकती है, क्या, कभी नहीं बन सकती है। ठीक, 1 से कभी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है नहीं ना, इसलिए यहाँ पे क्या रखे हमने, 3 रखे, और 3 रखने के बाद से जो है कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ से बन जाती है। ठीक, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए मैं कहूँ कि हमारे पास 7 लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है, 7 लाइन दी हुई है हमारे पास, n इजकल टू क्या है, 7 लाइंस है, तो फाइंड करिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन की संख्या कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे रख देंगे n into n minus 1 upon क्या रख देंगे 2, तो रखिए 7 into
सेवन माइनस वन रखेंगे तो सिक्स अपॉन क्या टू, टू से थ्री बार में कट जाएगा तो कितनी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे 21 इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं चीजों को आप लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए कि कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन समझने की, कंडीशन की बात करिए कि कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के पास में कोई भी पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन हैज नो पैरेलल। ठीक, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ नो पैरेलल लाइन, पहला आपका हो जाएगा नो पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा नो पैरेलल लाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या होगा तो कंकरेंट लाइन नहीं होना चाहिए, यानी कि संगामी रेखा नहीं होनी चाहिए, संगामी रेखा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आपका वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। अब मैं बात करूं रे की, क्या की रे की, अगर रे मतलब होता है किरण, कि किरण क्या होता है इसकी मैं बात करूं कि किरण किसे कहते हैं, तो देखिए किरण की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होता है, एक जो है आपका फिक्स पॉइंट होता है और एक पॉइंट जो है कि ये पता नहीं होता है कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा। तो सपोज मान लीजिए ये हमारा वो पॉइंट है और सपोज ये हमारा ये पॉइंट है, ये जो है एक पॉइंट इसका इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट इसका क्या होता है, ये आपका फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स्ड होता है। ठीक, ये जब फिक्स्ड होता है तो आपका फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ और इसका पता नहीं, यानी कि नो एंड पॉइंट, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड रॉ, यानी कि इसका जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, तो जैसे ओएल है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से और ये फिक्स दिखा सकता हूँ। ठीक, तो इसका इस तरीके से क्या होता है, सिंबल बनता है। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? अब देखिए मैंने बताया आप लोगों के लिए कि ऑब्जेक्टिव बनने को कहीं से भी बन सकता है, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे मैंने बताया था अभी लाइंस में आपको कि उसके लिए सिंबल्स पूछ सकता है, तो यहां भी सिंबल पूछ सकता है, इसके लिए ऑप्शन बन सकता है आपका। ओए की अगर मैं बात करूं तो ओए ऐसे दे सकता है, दूसरा दे सकता है ओ ए, यहाँ पे फिक्स कर देगा और ये इनफाइनाइट कर देगा, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कर देगा आपका ओए इस तरीके से, चौथा ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये ओए कर देगा इस तरीके से। अब बताइए इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, उसको आपको आंसर लगाना है, तो ऑब्वियसली आपको बी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसके लिए सिंबल भी जो है कि पूछ लेगा, इसलिए आप लोग रहिए सावधान, और जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटना ही है, तो आप लोग सावधान रहिए कि दुर्घटना घटने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, तो पेपर में आप लोग बिल्कुल सफल हुए। ठीक, आगे बढ़े, अगला देखते हैं पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है, तो रे के बाद से आता है आपका, अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट क्या आएगा, लाइन सेगमेंट देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, क्या होता है लाइन सेगमेंट, इसकी अगर मैं बात करूं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट आपका अगर मैं बात करूं रेखाखंड, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, रेखाखंड, कि रेखाखंड क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि रेखाखंड का जो है कि दो फिक्स्ड पॉइंट होता है, क्या होता है, दो फिक्स्ड पॉइंट होता है। देखिए ये हमारी एक रेखा है और ये रेखा जो है कि यहाँ पे भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स है, तो ये रेखाखंड की क्या होगी, दो फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ फिक्स्ड पॉइंट, इसी को क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। इसके लिए जो सिंबल होगा वो सपोज मान लीजिए ये है आपका ए पॉइंट और ये है आपका क्या है बी पॉइंट, तो ए बी पर लिख सकता हूँ इस तरीके से, यानी इस तरीके से लिख सकता हूँ इसका सिंबल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यानी कि जो ए बी होता है इसका दोनों फिक्स पॉइंट होता है, तो ए बी के ऊपर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग, यानी कि ए बी और इसके ऊपर खींच दिया लाइन, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट हो गया इसके दोनों तरफ। ठीक, आगे बढ़े,
आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम एंगल्स के बारे में कि एंगल्स हमारा क्या होता है। तो अब एंगल्स को देखते हैं कि क्या होता है। अब एंगल्स की मैं बात करूं कि एंगल्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं कोण। कोण देखिए, जब दो रेखाखंड या दो रेज की, जब दो रेज का एक ही अंतिम बिंदु हो, क्या हो, सपोज एक ही अंतिम बिंदु हो, जैसे मान लिया ये बिंदु है और यहां से एक रे इधर निकली और एक रे इधर निकली, ठीक, या एक रेखाखंड इधर गई एक रेखाखंड इधर गई, इसका एंड पॉइंट क्या हो, एक ही हो। जब दो रेखाखंडों की या दो रेज की, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जब दोनों का अंतिम बिंदु एक ही हो तो उसे हम कहेंगे आपका एंगल। कब कहेंगे, जब इन दोनों रेखाओं के बीच जब कोण जो है कि आपका थीटा हो, उसे क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। सपोज ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, और ये क्या है हमारा बी पॉइंट है, क्या है, बी पॉइंट है, तो इसके लिए जो कोण बनेगा ए ओ बी बनेगा इक्वल टू क्या बनेगा, थीटा। इसी को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, परिभाषा डिफिनेशन लिखना हो तो उसको लिख सकते हैं आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में। कैसे लिखेंगे वो देखिए, आप लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि जब दो रेखाखंडों या दो किरणों का एक ही अंतिम बिंदु हो, तो इनसे बनी आकृति जो होती है, क्या इनसे बनी आकृति जो होती है, वही कोण कहलाती है। अब आगे बात करते हैं कि ये कोण जो होता है कितने प्रकार का होता है, यानी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल। तो देखिए कोण के प्रकार की अगर मैं बात करूं कि कोण के प्रकार टाइप्स ऑफ एंगल, अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो ये होता है आपका मेजरमेंट के बेसिस पे। किस पे होता है, मेजरमेंट के बेसिस पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट के आधार पे ये एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये कोण के प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एंगल आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो आता है आपका न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण देखते हैं क्या होता है। न्यून कोण को बोलते हैं इंग्लिश में, अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक। अब एक्यूट एंगल होता क्या है, हमने कहा कि जब हमारे पास दो रेखाखंड या दो रेज हैं, क्या है, दो रेज हैं, एक ही पॉइंट पे इनका एक ही अंतिम पॉइंट हो ओ, और ये हमारा क्या है पॉइंट ए है, और ये पॉइंट हमारा क्या है बी है, ठीक। तो इनके बीच जो ये थीटा एंगल बनेगा, ठीक, या कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण ए ओ बी, ठीक। तो देखिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक, यानी कि कोण ए ओ बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं, इसी को एक्यूट एंगल बोलेंगे। समझ गए चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा आता है वो आता है आपका, दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कोण, राइट एंगल की मैं बात करूं तो राइट एंगल, जब दो जो लाइन होती है, क्या होती है, रेखाखंड होती हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये सपोज 0 पॉइंट है और ये रेखा हमारी क्या है ए है, और ये जो है कि बी है, बी पॉइंट है, तो ए ओ बी के बीच का जो एंगल होगा, ए ओ बी के जो बीच का एंगल होगा वह कितना होना चाहिए, आपका 90 डिग्री होना चाहिए। इस कॉल्ड आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं,
अगला एंगल देखते हैं, तीसरा जो एंगल आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो आता है आपका अधिक कोण। क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको बात करते हैं कि ये क्या होता है। सपोज देखिए कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक, और ये एक रेखा है, इसका एंड पॉइंट क्या है? वो बिंदु है। जब दोनों रेखाएं वो बिंदु पर मिलती हैं तो ये वो बिंदु है और ये ए है और ये क्या है? बी है। इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका अधिक कोण होगा, यानी कि जो कोण आपका होगा ए ओ बी, ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ जब इसका मान जो है कि 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि कोण ए ओ बी, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, इसी को क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो आता है हमारा वो आता है स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, स्ट्रेट एंगल आता है। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की मैं बात करूं कि क्या होता है, तो देखिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? देखिए सपोज ये रेखा है हमारे पास, ये ओ पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है? बी पॉइंट है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि कोण ए ओ बी आपका कितना होना चाहिए? बराबर 180 डिग्री के। इसका अर्थ आपका क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक, चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। अगर आज नहीं समझ में आया तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक, तो चीज़ें आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक, तो आप लोग अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को भाई लोग फॉरवर्ड वॉरवर्ड कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक, जिससे आपको भी फायदा हो और आपके फ्रेंड को भी फायदा हो। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट जो आता है मैं उसकी बात करूं तो आता है वो आपका आता है रिफ्लेक्ट एंगल। क्या आता है? रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है कि रिफ्लेक्ट एंगल, देखिए सपोज हमारे पास क्या है कि ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये जो है आपका एंगल, ये हमारा बी पॉइंट है, ये रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। ए ओ बी क्या हो गई? आपकी रिफ्लेक्ट एंगल हो गई, यानी कि कोण ए ओ बी क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्ट हो एंगल हो गया, यानी कि ये एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री से बड़ा हो गया। इस कॉल्ड आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्ट एंगल। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ये एंगल होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और कोण ए ओ बी और ये कितना होगा? 360 डिग्री से छोटा होगा, इसी को रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्ट, मतलब होता है आपका प्रतिवर्त, क्या होता है? प्रतिवर्त कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। जिसका वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। ठीक, अगला जो आता है आपका उसकी अगर मैं बात करूं तो अगला देखिए, अगला कौन सा आता है? तो अगला आपका 6 नंबर की अगर मैं बात करूं कि कौन सा एंगल आता है, तो आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इसको पूरक कोण कैसे बोलेंगे? देखिए समझिए कि ये पूरक कोण कब होगा। देखिए जब हमारे पास दो रेखाखंड है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे मिली हुई है और ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है? बी पॉइंट है, और इसके बीच से एक जो है कि रेज हमने गुजार दिया। क्या किया? रे गुजार दिया। ये हमारा क्या है? सी पॉइंट है। हमने कहा ये वाला एंगल एक्स डिग्री है और ये वाला एंगल वाई डिग्री है। ठीक, ये वाला एक्स एक्स डिग्री है, यानी कि कोण ए ओ सी, क्या कोण ए ओ सी इजकल टू एक्स डिग्री, और कोण बी ओ सी इजकल टू क्या? वाई डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का जो योगफल होगा
जो इन दोनों का योगफल होगा वही आपका पूरक कोण होगा, यानी कि मैं कहूँ कि एक एंगल जो है कि दूसरे एंगल का क्या है, पूरक कोण है। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल इस दूसरे एंगल का क्या है, पूरक कोण है, या मैं ये कहूँ कि ये एंगल इस दूसरे एंगल का क्या है, पूरक कोण है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब पूरक कोण है तो इन दोनों एंगलों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस वाई का क्या होगा वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर मैं कहूँ कि अगर ये हमारे पास 15 डिग्री है, ये क्या है 15 डिग्री है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि y बराबर आपका सीधे 90 माइनस x होगा, यानी कि 90 माइनस 15 डिग्री तो कितना हो गया बताइए, 75 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक, तो ये x 15 डिग्री क्या हो गया, दूसरे एंगल का क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो आता है हमारा वो पॉइंट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं संपूरक एंगल, संपूरक एंगल। अब मैं कहूं कि हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है, क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, ये है पॉइंट ओ और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारे पास बी, हमने इस पे एक रेखाखंड खींचा, क्या खींचा, एक रेखाखंड, हमने कहा ये वाला एंगल जो है कि x डिग्री है, ठीक, और ये वाला एंगल क्या है, y डिग्री है। ठीक है, तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ और ये पॉइंट हमारा C है, तो कोण ए ओ सी की अगर मैं बात करूं तो कोण ए ओ सी इज इक्वल टू x डिग्री, और कोण मैं बात करूं बी ओ सी की, किसकी, बी ओ सी की, तो ये हो गया y डिग्री। इसकी अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट्री एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कोण जो है कि एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे, क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे। मैं कहूं कि इसका संपूरक एंगल क्या होगा, क्या इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसका संपूरक एंगल क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि संपूरक एंगल वह होता है जिसका दोनों ही एंगल का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री, इस कॉल्ड आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं लिख सकता हूं, अगर यहां पे एक एंगल क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, सपोज ये मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं कहूं कि इस 90 डिग्री का संपूरक एंगल क्या होगा, तो आप लोग क्या निकालेंगे, सीधे सीधे 180 में से 90 घटा देंगे, यानी कि 180 माइनस 90 डिग्री घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, ये एक दूसरे के संपूरक एंगल हो गए। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, आगे बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में देखते हैं, तो क्वेश्चन आता है ये कि हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 20 डिग्री और दिया हुआ है x प्लस 4 डिग्री, ये दोनों क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 3x का मान ज्ञात करिए कि 3x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, इसको फाइंड आउट करना है कि 3x का वैल्यू क्या होगा। अगर ये हमारे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो मैंने बोला था कि जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो इनका योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, 2x प्लस 20 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3x ये हो गया और प्लस 24 ये हो गया बराबर 90 डिग्री, तो 3x बराबर 90 माइनस 24 डिग्री घटाएंगे तो 6 और ये कितना हो जाएगा, 66 डिग्री, यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 66 डिग्री इसका राइट एंगल, यानी कि 3x ही फाइंड करना है तो यहीं पर रहने देते हैं, x फाइंड करना होता तो 3 से भाग देते तो 22 डिग्री आ जाता, बट यहाँ पे 3x ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि वह एंगल बताइए, क्या वह एंगल बताइए, वह एंगल बताइए जो क्या क्या होना चाहिए, संपूरक कोण का, संपूरक कोण का, संपूरक कोण का 7/11 हो,
ठीक, बोला है संपूरक कोण। हमने सपोज मान लिया कि जो संपूरक एंगल है वो हमारे एक एक्स है और एक क्या है वाई है, ठीक। ये है हमारे संपूरक एंगल का कितना होना चाहिए, एक्स बट्टा वाई होना चाहिए। तो एक्स बट्टा वाई इजकल टू कितना होना चाहिए, 7/11। अब मैं कहूँ कि 7/11 दिया हुआ है, तो 7/11 × 7 = 18 होता है, 18 = 180 डिग्री, तो 1 डिग्री = 10 डिग्री आ जाएगा आपका। अब देखिए ये हो गया आपका 70 डिग्री और ये हो गया 110 डिग्री। तो पूछा है कि जो आपका संपूरक एंगल है, हमारे पास ये एक्स अगर दिया हुआ है 70 डिग्री है, तो इसका संपूरक एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत बताइए इसमें, किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछता है, इसी पे बेस्ड है। देखिए वो कैसे पूछता है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोण का अंतर दे रखा है। क्या है, दो पूरक कोण का अंतर दे रखा है, पूरक कोण का अंतर है आपका 24 डिग्री। ठीक, क्या है अंतर दे रखा है 24 डिग्री है, तो x और y का वैल्यू निकालना है, यानी कि जो पूरक कोण है दोनों उनके मान निकालने हैं कि क्या होगा। तो देखिए मैंने कहा था कि एक x होगा तो एक y, दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा पूरक है तो, और x माइनस क्या होगा y, कितना 24 डिग्री। ठीक, दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये कितना हो जाएगा 4 और ये 11, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 57 डिग्री और दूसरा कितना हो जाएगा y इजकल टू 33 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ कहीं भी आए आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जयमिति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।